हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और मैं हूं आपका दोस्त आयुष श्रीवास्तव। और आज हम मिरर फॉर्मूला पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, तो उससे न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मिरर फार्मूला होता क्या है। मिरर फार्मूला होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, जहाँ पर f जो होता है वो फोकल लेंथ होती है किसकी, मिरर की। और सेकंड v जो होता है वो इमेज की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, और थर्ड इज यू जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी न्यूमेरिकल्स में हमको फोकल लेंथ ना देते हुए वो रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है। और जब मैं आपको मिरर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था मैंने कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो किसकी डबल होती है, फोकल लेंथ की डबल। मतलब अगर हम यहाँ से फोकल लेंथ निकालें तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम हमेशा निगेटिव लेते हैं, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव लेते हैं, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम निगेटिव लेते हैं। तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन एक रेशियो होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक टाइप का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, वो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब किसी न्यूमेरिकल में या किसी सवाल में हाइट हमको नहीं दी जाती तो हम क्या करें उस समय, तो हमें एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो होता है -v/u। तो ये दो फॉर्मूले मैग्नीफिकेशन के हमारे पास, होते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, -v/u, ये भी फॉर्मूला होता है एक, और ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात आती है, ये भी m के इक्वल है, ये भी m के इक्वल है, तो इन दोनों को हम अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ और रह गई है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है रह गई थी वो ये है कि साइन कन्वेंशन, हमें साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। तो साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे कि ये हमने मान लिया कोई
कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका ये इंसिडेंट रे है, सॉरी इंसिडेंट रे बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सेस, और ये कहीं पोल है इसका। अब हम जानते हैं कि जो भी हम चीज़ डिस्टेंस जो भी मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हम पोल से ही मेज़र करते हैं। तो सपोज़ कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी यहाँ की। अब हम अगर कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड पोल से लेफ्ट साइड अगर मेज़र करेंगे तो वो हम कैसी लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। और पोल टुवार्ड्स द पोल या हम बोलें राइट साइड अगर मेज़र करेंगे कोई भी चीज़ तो वो हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। यही हमारा साइन कन्वेंशन था, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करना शुरू करेंगे और ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसे ज़रा उस पर नज़र डाल लें, उस पर पढ़ लें उसे क्या दिया है। तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। एक कॉन्वेक्स मिरर जो है यूज़ हो रहा है रियर व्यू के लिए, किसमें, एक ऑटोमोबाइल में, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। पहली चीज़ जो हम लिखेंगे न्यूमेरिकल में वो होगी गिवन, कि हमें गिवन क्या क्या दिया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी हुई है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर दी हुई है, जिससे कि हम फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पहले तो आप प्लस का साइन लगा ही दीजिए, ठीक है। इसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है वो पढ़िए, आगे दिया हुआ है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कि एक कोई बस है जो कि मिरर से 5 मीटर दूर डिस्टेंस पर है। तो पहली बात तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे और मिरर क्या है। तो मिरर जैसा कि हमें पता है, मिरर तो साफ साफ लिखा ही है, तो बस जो है मिरर के लिए क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। जैसे ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट यानी कि बस जो है खड़ी होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस है। अब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, 3 मीटर। तो मैंने आपको फोकल लेंथ यहाँ पर निकाल के बताई थी। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, जिसको हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। अब ऑब्जेक्ट हम, मैंने आपको बताया था हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं, तो यहाँ पे कोई पोल होगा पी। अब ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे 5 मीटर, तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो हमें हम कैसा लेंगे यू, यू की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी, तो 5 मीटर, ठीक है। अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें वी निकालना सबसे पहले, ठीक है, वी निकालना। तो वी कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/f = 1/v + 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f यानी कि 3/2 हमारी वैल्यू पॉजिटिव, इक्वल ये कितना है, 1/v हमको निकालना है, और प्लस 1/u जो कि -5 है, ठीक है, -5। अब देखिए यहाँ पे ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, 1/3/2 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/2y
थ्री, ठीक है। अब वन अपॉन थ्री तो ऐसा वैसा ही रहेगा, ये माइनस का साइन है तो इधर पहुंच जाएगा, तो वन अपॉन फाइव आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी आएगा हमारा वन टू बाई थ्री अपॉन टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन फाइव आएगा, क्योंकि ये माइनस का इधर है, यहाँ पहुँचेगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वन अपॉन वी इक्वल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, फिफ्टीन, फिफ्टीन हमारा एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये थ्री से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फाइव आएगा, फाइव का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आएगा, प्लस इसका इसको अगर डिवाइड करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री का ऊपर वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आ जाएगा, वन अपॉन वी। इस ये रेसिप्रोकल में है तो दोनों को अगर हम रेसिप्रोकल कर लें इसका दोनों साइड का, तो फिफ्टीन अपॉन अगर टेन प्लस थ्री को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, थर्टीन, ठीक है, थर्टीन आएगा। अगर इसको हम काटते हैं तो हमारा कुछ 1.15 मीटर आएगा, जो कि प्लस में पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारी ये क्या हुई, पोजीशन निकल आई कि भाई जो डिस्टेंस है, सॉरी इमेज बनी है वो मिरर से 1.15 मीटर अवे बनी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इमेज इधर है या उधर है, तो एक चीज़ याद रखिए आप कि जब भी वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब इमेज हमेशा बैक बनेगी, बैक में बनेगी किसके, मिरर के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बैक में बनेगी, मिरर कैसी होगी, और बैक में बनेगी तो इरेक्ट और वर्चुअल होगी। मतलब मैंने आपको बताया था इमेज सीधी बनेगी और जो इरेक्ट इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इमेज कैसी होगी, इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है। और कहाँ पे बनेगी, पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर हम कह सकते हैं, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब साइज ऑफ द मिरर हमें निकालना है, तो साइज ऑफ द मिरर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं हाइट दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वी की वैल्यू हमने निकाली अभी 1.15 मीटर और U की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है माइनस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ 0.23 मीटर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो साइज होगा इमेज का वो कैसा होगा, 0.23 मीटर का, बहुत स्मॉल साइज की होगी। ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है हमें, ये देखिए ध्यान से, ए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है। साइज मत को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एच से। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। प्लेज एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और नेगेटिव लेते हैं तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आती है ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन किस मिरर की है, कौन के मिरर की, तो इसको भी नेगेटिव लेंगे तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आती है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प मिरर, कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कि एक स्क्रीन को कहाँ कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए मिरर से, कि जो उस पर बनने वाली इमेज है मिरर पर वो हमें साफ दिखे, ठीक है। तो हमें एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, और साइज फाइंड करना है,
इमेज का जो कि एच डैश, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ये हमारा मिरर फार्मूला होता है। तो करना क्या है, इसमें हमें पुट करनी है वैल्यू सारी। -15 आ जाएगा ये, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये दिया नहीं है तो ऐसा का ऐसे ही रखा रहने तो इसको, और प्लस ये कितना हो जाएगा -25, जो कि यहाँ पहुँच के माइनस का ही हो जाएगा अल्टीमेटली। अगर हम इसको इधर लाते हैं 1/v = -1/25 प्लस, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आके और ये माइनस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का ही रहेगा, तो -15, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, -v इसका अगर एलसीएम ले तो 75 आएगा, 75, ठीक है, और 25 से अगर इसको हम करेंगे तो ये 3 आएगा माइनस का, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये दोनों, इन दोनों का हम रेसिप्रोकल करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 75/2 किसके, माइनस के, ठीक है, माइनस के 75/2। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से 75 को, तो हमें लगभग 37.5 कुछ मिलेगा, ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें इमेज की डिस्टेंस मिल गई मिरर से, और निगेटिव है तो आपको पता है निगेटिव अगर होती है तो इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है, ठीक है। कहाँ बनती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा तो मिरर भी कहीं यहाँ बनी होगी, ठीक है, ये हमारी मिरर है, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज है। अब बात आती है कि साइज कैसा होगा इसका, कितना होगा इमेज का, तो वो हम निकालेंगे किससे, मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन से कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था h' / h - v / u, ठीक है। तो h' कितना है, h' हमको दिया नहीं है, जो कि हमें निकालना है, फाइंड करना है। अगर हम इस h को इधर पहुंचा दें और वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस की v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमें दी है -37, तो माइनस का 37.5 हो जाएगा, और h की वैल्यू ये रही 4, ठीक है, h की वैल्यू 4 है, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -25, माइनस का 25, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितना आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -6 सेंटीमीटर कुछ आएगा, ठीक है, माइनस का 6 सेंटीमीटर कुछ। तो और इमेज की जो साइज होगी वो कितनी होगी, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। हमारा ये थर्ड न्यूमेरिकल है और लास्ट भी है, इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमारा, कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक कॉनकेव मिरर जो है वो 3 times मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की। तो गिवन क्या दिया है हमें, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी है स्मॉल m की, जो कि दी है 3। अब बात आती है प्लस m ले या माइनस m, तो देखिए इसमें एक चीज़ दी हुई है कि रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, रियल इमेज, रियल का मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड और रियल इमेज हमेशा उसकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो यू की वैल्यू कितनी दी है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात आती है व्हाट इज इमेज लोकेटेड, तो इमेज जो है कहाँ,
हॉट नहीं होगा यहाँ पे, वेयर होगा, एक सेकेंड वेयर कर लेते हैं, वेयर, हाँ तो वेयर इज इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहाँ पर लोकेट होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं m इक्वल होता है माइनस वी अपॉन u, हमें m की वैल्यू पता है -3, v हमें निकालना है और u की पता है हमें -10, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर जाएगा तो v इक्वल आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये हमारी v की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे थे न्यूमेरिकल्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ये सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं, NCERT की बुक में से ही मैंने करवाए हैं ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना आप लोग। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जब तक अगला वीडियो नहीं आता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।